पाई नेम पुलक तनि मुदित मन गुरु सुनाय गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री व्यास जी आज आपके श्री चरणों के दर्शन कर मेरा जीवन धन्य हो गया। इस संसार में यदि वो परमात्मा रुष्ट हो जाए तो गुरु में वो सामर्थ्य है कि व्यक्ति के जीवन को डूबने से बचा सकते हैं, और यदि गुरु ही व्यक्ति के जीवन से रूठ जाए तो फिर परमात्मा में भी वो सामर्थ्य नहीं कि व्यक्ति को बचा सके, क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि गुरु विरोध नहीं को जग जाता। जिस व्यक्ति का विरोध गुरु से है उसकी इस्त्रलोक में रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज आपके चरणों के दर्शन कर मेरा जीवन धन्य हो गया। मोर पावन दोहु नैना मोर पावन दोहु नैना मोर पावन दोहु नैना मोर पावन दोहु नैना प्रभु के ऋषि के मुनि के मोरे पावन तो भूलेना
सेवक का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। राजेंद्र तुमने हमें प्रणाम किया, यद्यपि प्रणम्य के द्वारा प्रणाम करने वाले को चार वस्तुएं प्राप्त हो जाती है करती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेवना तेन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। लेकिन जब मैं तुम्हारे जीवन पर चिंतन करता हूँ तो चारों वस्तुओं की न्यूनता नहीं पूर्णता है, इसलिए मैं आशीर्वाद तो दूंगा क्योंकि तुमने प्रणाम किया है। आशीर्वाद अब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे राष्ट्र के लिए है, परवाह नहीं। मिले जके वैभव जीवन का सुख सारा रहे, कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को भूषित नृप तो द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का उज्जवल वंश सितारा रहे, हम रहे या न रहे जग में, क्योंकि ये जग है जिसका जन्म है उसका गमन भी निश्चित है। हम रहे या न रहे जग में पर आशीर्वाद है ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कल्याण हो, महामंगल हो, गुरु सदन में आने का कोई विशेष कारण स्पष्ट करें, मैं जानना चाहता हूँ। अवश्य ही, क्यों नहीं गुरुदेव भगवान। मैंने तो आपकी सेवा का प्रतिफल अपने जीवन में सकता है मोहि समान अनुभव न दूजे, क्योंकि मैंने सब कुछ प्राप्त किया है। सब पायो पद पावन पूजे, आपके चरणों की सेवा से मैंने सब कुछ अर्जित कर लिया है। बस अब आपकी ही कृपा हो जाए, बस अभिलाष एक मन मोरे, सो पूजिय नाथ अनुग्रह तोरे। अब केवल जीवन में शेष एक ही अभिलाषा है। राजेंद्र वो अभिलाषा मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में अब केवल एक अभिलाषा है, वो अभिलाषा कौन है? गुरुदेव आप तो जानते हैं कि मेरा चौथापन है, और वैसे भी मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम अब सब प्रकार से सब विधि से सुयोग हो चुका है। भय राम सब विधि सब लायक, करिए कृपा मुनि करिए सहायक। अब आप वही करें, और करना क्या है गुरुदेव भगवान? मेरे हृदय के जो विचार हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी इस अयोध्या को आने वाले भविष्य का एक राजा देकर वन प्रस्थान करना चाहता हूं। पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज के योगी राम, हो गया योगी के राज राम, आप उसको वाले सभी नर नारी राम को उसी प्रकार से प्रेम स्नेह करते हैं जिस प्रकार की मैं देवता।
राम संपूर्ण अयोध्या का प्रिय है, बस यही अभिलाषा है। सो आपके सन्मुख प्रस्तुत है देवता। क्यों नहीं राजेंद्र, जो तुम्हारा विचार है ये उत्तम ही नहीं, ये कह दूं कि उत्तम नहीं, ये तो सर्वोत्तम विचार है। वेग विलंब न करी नृप, ये शुभ कार्य है, इसमें विलंब न होना चाहिए। साजिए सभी समाज, वही दिन सुंदर दिन होगा, सुदिन सुमंगल, वही समय मंगलकारी होगा। कब? जब राम हो ही युवराज। हमारी ओर से तुम्हें पूर्ण रूप से इस कार्य में सहमत प्राप्त हो चुकी है। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि प्रजावर्ग से, मंत्री वर्ग से, सेवक सचिव सबसे भी इस कार्य में परामर्श ले लो और उसके बाद आगे का कार्य करो। आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव भगवान। यद्यपि मैंने जो अपने हृदय में अनुमान किया है, तो अयोध्या में निवास करने वाले सभी नरनारी सबके उर अभिलाष अस कहाई मनाए महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। सबके हृदय के ऐसे उद्गार हैं, मन ही मन भगवान शंकर को मना रहे हैं। मन आपके ही आदेश का पालन, मन ही मन। अब उसको स्पष्ट हो जाना चाहिए, जब जब तुमने स्पष्ट किया तो उनका भी मन स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट आपके सामने बात रखे, उसके बाद इस कार्य को आगे गति दो। जैसी आज्ञा। तुम्हारा कल्याण। सेवक सचिव सुमंत हमारे समीप।